नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अभी अभी जारी हुई 10 मिनट पहले बड़ी खबर। 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों का इंतजार हुआ खत्म। मोदी सरकार ने पेंशन के लिए जारी कर दी बड़ी सौगात, जिसके अनुसार अब आपको मिनिमम पेंशन में मिलेगी बम्पर बढ़ोतरी। और कोर्ट के द्वारा भी पत्र जारी हो चुका है और मोदी सरकार ने ये लाइव आकर के आपकी पेंशन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके अनुसार ईपीएस के जो 65 लाख पेंशन धारक है 2014 के बाद जिस बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए जारी हो चुकी है बड़ी खुशखबरी, जिसके बारे में आज किस वीडियो के अंदर विस्तार से जानेंगे कि इस अपडेट के अनुसार कौन से पेंशन धारक उनको पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, ऐसे कौन से पेंशन धारक उनको पेंशन बढ़ोतरी का फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहेगा। साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, तो आपकी पेंशन से जुड़ी बहुत बड़ी यानी कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी आ रही है, जिसमें कि आपकी मिनिमम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ा करके 7500 प्लस डीए के साथ में मेडिकल बता देने को लेकर जानकारी आ रही है। और पेंशन वर्दी को लेकर कमांडर सुखजी राउत ने भी लाइव आकर कहा कि अगर ये फैसला हुआ है तो जिसको लेकर मैं बहुत ही खुश हूँ और हम लगातार यानी कि सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार पेंशन की राशि में इजाफा करे, जिसमें कि 7500 रुपए की उनकी मांग थी और साथ में उन्हें डीए मिले महंगाई भत्ता और साथ में हायर पेंशन और मेडिकल की सुविधा को लेकर भी चर्चा जारी है। लेकिन आपको बता दिया जाए कि ऐसी कोई आधिकारिक ईपीएस पेंशन के फैसले को लेकर जानकारी जारी अभी तक सरकार ने नहीं की है कि आपकी पेंशन अब 9000 प्लस डीए के साथ में आपको मिलेगी या फिर 7500 प्लस डीए के साथ में पेंशन मिलेगी। तो फिलहाल आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं हो रही है, लेकिन घोषणा अभी तक सरकार ने जारी नहीं की है, न ईपीएफ ने ऐसी कोई जानकारी जारी की है। तो इस तरह की आपके लिए अपडेट होने वाले, ऐसी नई अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।